इसलिए हम एक दिन गए और आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से कहा कि हम 24 में आपके साथ हैं, हमारा समर्थन। जितने बड़े विपक्ष के नेता हैं सबको टारगेट किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते हो, तो ऐसे में कितना चुनौती मांगते हैं आप अपने लिए? देखिए, चुनौती तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह से हमारे कार्रवाई की, खास करके आप झारखंड में जाइए, दिल्ली में जाइए, विपक्ष के नेता थे और पूरे देश में, ये तो अभी ताज़ा चुनाव के समय ये दो कार्रवाई, लेकिन पूरे देश में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसी का तो परिणाम है कि लोगों ने देखा कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, इसीलिए सरकार को हटाने के लिए लोग इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। कार्रवाई होने के डर से नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ साफ हो जाते हैं, उनकी दाग मिट जाती है। जैसे अजीत पवार हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए, भूपेंद्र शुभेंदु अधिकारी हुए। अब इसका आंसर तो आप सब बता ही रहे हैं, मुझे क्या बताना है कि जो उधर चला जाता है वो अपना साफ सुथरा हो जाता है। जौनपुर जिले की आबादी लगभग 50 लाख है और यहाँ रोजगार के अवसर ना के बराबर है। पार्टी ने आपको मौका दिया है, अगर आप सांसद बनते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर किस तरह से पैदा करेंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसर? देखिए, अगर जौनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया और अगर मैं जीत के गया तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। जिन लोगों की आप बात कह रहे हैं उनकी बातों को हम 20 साल से उठा रहे हैं, असद भाई हैं, सब लोग हम इन्हीं की बात उठा रहे हैं, तो हम इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर हम चाहेंगे कि जौनपुर में कुछ उद्योग धंधे हों ताकि जो लोग रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर काम मिले और जौनपुर जिले का विकास हो। सर, 2022 के चुनाव में जिस तरीके से सागंज, बदलापुर और जिस तरीके से सदर विधानसभा में कम अंतर से चुनाव जीतना, क्या कितना फ़ायदा मिलेगा 2024 में? पूरा फायदा मिले। समाजवादी पार्टी उस समय अकेले चुनाव लड़ी, तब भी बहुत कम अंतर से हारे, 500-600 से नहीं हारे, विधायक भी हारे, मुझे लगता है दूसरी सीट भी हर्षद भाई भी बहुत कम वोटों से हारे। और इस समय तो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, मुकेश सैनी साहब की कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी भी है, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन जिनके पास एक वोट है, एक मतलब उनके साथ एक वोट बैंक है जो प्लस होगा समाजवादी पार्टी के साथ। और पार्लियामेंट में ही नहीं, विधानसभा भी में भी बड़े पैमाने पर जीत के जाएंगे। सर, उन आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, आपके साथ जयंत चौधरी थे, अब उनके साथ अनुप्रिया पटेल पहले से थी, अब भी हैं, संजय निषाद हैं, उनके पास भी एक बड़ा गठबंधन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके साथ में 10 साल का कार्यकाल है, 10 साल का जो एनडीए का कार्यकाल रहा, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार दें, बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रह गई। यूरिया की 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम जो कर्ज देंगे ब्याज नहीं लेंगे, 7-8% ब्याज लेंगे, उनके कर्ज नहीं माफ। किसानों की समस्या बदते बदतर है, किसी क्षेत्र में एनडीए सरकार सफल नहीं है कि लोग उसको वोट दे सकें। तो जब लोग उनके साथ जाते हैं तो 10 साल का उनका कार्यकाल है, और जब उनके कार्यकाल को देखेंगे तो हमारे नौजवान बच्चे, हमारे उनके गार्जियन पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, अग्निवीर योजना, तो पुरानी पेंशन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा चुनाव में कह रखा, उनकी घोषणा पत्र, तो ये सारे मुद्दे हैं, उससे
हमको ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा कि लोग एनडीए गठबंधन को पूरा अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज है वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने के बाद उसमें कोई सुविधाएँ नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ पुल बने, कुछ सड़कें बने, उसके बाद कुछ नहीं। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, फिर वो काम होगा। समाजवादी ब्रिज बनेंगे, अंडरपास बनेंगे, बाईपास बनेंगे, सब काम होगा। लड़ाई किसको मानते हैं आप चुनाव में? देखिए, जो लोग लड़ते हैं सब अपनी जीत का दावा करते हैं, मैं किसी को कमज़ोर नहीं आता। सर, लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश जी ने नारा दिया था पीडीए का, उस पीडीए में आपको जौनपुर की सीट से लड़ाया जा रहा चुनाव, बड़े चेहरे हैं आप, क्या आपकी जिम्मेदारी जौनपुर के साथ साथ अन्य लोकसभा में मिलेगी, आप वहां पर जिम्मेदारी निभाएंगे कुशवाहा साख सैनिक वोट को साधने के लिए, क्योंकि जौनपुर में आप लगभग जो समीकरण जाति समीकरण वो सपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम लोग सब करने लगे हैं, जो पीडीए का नारा है उसके तहत हम सब जुट लगे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हमारे भी साथी हैं, हमारे भी कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे हम अपील कर चुके हैं, वो सब लोग लग गए हैं बड़े पैमाने पर। जैसे हमारे साथी यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, अरणी रामगढ़ कश्यप जी हैं, बिंद जी हैं, सब लोग यहाँ हैं। उसी तरह सारे जिलों में आपको ये सब पदाधिकारी मिलेंगे सबके, और सब लोग लगे हैं अपने अपने हिसाब से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको जौनपुर से प्रत्याशी बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य की भरपाई और कुशवाहा समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, इसमें आप कितना सफल मानते हैं? नहीं, अब इसमें भरपाई और नाराजगी दूर करने वाली जैसी बात नहीं है। लोग काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, संविधान का मुद्दा है। हम ऐसा समझते हैं कि एनडीए सरकार अगर दोबारा आई तो उनके लोग कहते रहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, तो संविधान के हम 75 लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हमें जानते हैं कि अगर संविधान है तो हमें हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का वजूद है। इसलिए हम एक दिन गए और आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से कहा कि हम 24 में आपके साथ हैं, हमारा समर्थन है। उनको ऐसा लगा, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई, हम चाहते हैं कि आप जौनपुर से पहले अपन का इलेक्शन। ठीक है।